staremo andando. Il testo è una cosa. Tiene a su sette di affidare le sue sette rette, se no, è di barrosa a sé, nell'unità di un'altra, che ho per la lettera, ma in हजरत गिरामी आज के इस ताने की कोई हिंद मुशायरे की महफिल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और आपकी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम आदाब पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक गालिबन आपको ये अंदाजा है कि शायद अभी भी मुशायरा शुरू होने में कुछ देर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुशायरे में कोई वक्फा नहीं है, सीधे सीधे अब सूरह इकराम से मुलाकात का सिलसिला शुरू करता है। आपको बहुत पहले से ये बताया जा रहा है कि हजरत शेख दाऊद बंदनी रहमतुल्लाह अलैह के उसके मुबारक के मौके पर मुनक्किद होने वाला ये अजीम शान मुल्हिम मुशायरा, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम चौधरी मुजाहिद हुसैन साहब एडवोकेट, मेहमान खुसूसी के तौर पर श्री श्री कलगी पीठाधीश्वर मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज के मुशायरे में बहसियत मेहमान खुसूसी हम सब के वकार ने और इस फैसले के वकार में इजाफा कर रहे हैं। मेहमान एकादी के तौर पर चौधरी इकरार हुसैन साहब और कोतन भाई इस मुशायरे में मौजूद है। इस मुशायरे के कन्वीनर और दरगाह कमेटी के सर मोहतरम मोहम्मद ताहिर और हकीम चमन साहब, इनकी मोहब्बतें और मेहनतें यकीनी तौर पर किसी से छुपी हुई नहीं है। पर्दे के पीछे रहकर इस मुशायरे को सजाने में जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं उनमें जिन हजरात के नाम आते हैं उससे एक बड़ा नमाया नाम मेरे बड़े भाई जनाब अरदास तहरीरी का है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। छोड़ा इकराम इस दरगाह कमेटी के मेम्बरान और अहदेदारे में जनाब इफ्तखार हसन साहब सेक्रेटरी, वही मुकीम साहब नायब सदर, असद अली साहब नायब सचिव, जनाब तारिक महमूद साहब, हाजी कन्नर साहब, रफी अहमद साहब, हाजी बप्पन मुस्तकी मंत्री, आमिर अकबी, मोहम्मद आदिल अफ्तार अहमद, ये तमाम लोग हैं जो दरगाह कमेटी के मेम्बरान हैं। मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खुशहाली की इब्तदा में ही बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले किसी मेहमान शायद से मैं कलाम पेश करने के लिए माइक पर बुलाऊं और उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। आप देख रहे हैं खूबसूरत की क्षमा यहाँ मौजूद है और आप ये भी जानते हैं कि उदाहरण के तारीख साथ मुशायरे की रिवायत रही है। यहाँ दो क्षमा रोजे नहीं जाती है, एक क्षमा मुशायरे के नाफिया दौर की क्षमा होती है, दूसरी क्षमा मुशायरे के पहाड़िया दौर की क्षमा होती है। तो पहले नाफिया दौर की क्षमा रोशन होना चाहती है और इसके लिए आज के मेहमान खुसूसी श्री श्री कल की पीठाधीश्वर मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो आज के मेहमान खुसूसी हैं हमारे मोहतरम सदर चौधरी मुजाहिद हुसैन साहब एडवोकेट और मोहतरम चौधरी इकरार हुसैन और कोतन भाई, इन तमाम हजरात से उस मुशायरे के कन्वीनर हकीम चमन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरम कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को लाए और इन मुशायरे की क्षमा रोशन की जाए ताकि नाफिया दौर की क्षमा रोशन हो और उसके बाद इस मुशायरे का बाकायदा आगाज हो। भैया भाई सामने से यार थोड़ा सा देख। अच्छा भाई साइड से कर लो यार तुम भी अपना। ओए भाई इसे बिल्लू वालों भाई यार साइड से कर यार।
अच्छा हमारे मेहमान ने कोशिश की श्री कलकत्ती का प्रिंसिपल आचार्य संतोष कृष्ण जी की खिदमत में कमेटी की जानिब से एक प्रमेंटो है जो पेश किया जाना है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम चौधरी इफ्तार हुसैन मुठर भाई और मोहतरम हकीम चमन साहब से कि वो मोहतरम कलकत्तीश्वर आचार्य संतोष कृष्ण जी की खिदमत में ये खूबसूरत मोमेंटो पेश करें दरगाह कमेटी की जानिब से ताकि ये यादगार रहे और ये भी मोहब्बतों का एक खूबसूरत नमूना और यादगार बनकर आचार्य संतोष कृष्ण जी के ड्राइंग में लगाया जाए ताकि उधारी की मोहब्बतों को हमेशा वो याद रखे। यकीनी तौर पर उधारी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नासिर हकीम साहब और हकीम चमन साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान एजाजी मोहतरम चौधरी इफ्तार हुसैन और खुदर भाई को ये खूबसूरत मोमेंटो पेश करें ताकि यादगार बन जाए और ये खूबसूरत मोमेंटो आज के मुशायरे की याद बनकर बहुत दिनों तक चौधरी इफ्तार हुसैन साहब और खुदर भाई के पास मौजूद रहे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे जो मेहमान शहलाई कराम है सोच कर रहे हैं